तो हम लोग पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ डिप्लॉयड यूनिसेलुलर जाइगोट। अभी तक हम लोगों ने समझ लिया एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट। हमें ये समझ में आ गया कि डाइकॉट के मैच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड प्लांट का कौन सा पार्ट बनाते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोजेनी की, ये डाइकॉट और मोनोकॉट में कुछ हद तक सिमिलर होती है। देर आर सम सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटीज इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी, बट नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलरिटीज देखने को हमको नहीं मिलती है, बिकॉज स्टिल देर आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस, और उन्हीं डिफरेंसेस पे हम लोगों को बात करना है इस लेक्चर में। समझ लीजिए ये जाइगोट है, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, यूनिसेलुलर होगा, कहीं का भी होगा। तो ये डिप्लॉयड यूनिसेलुलर जाइगोट है, ये फूड एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन नरिशमेंट लेगा एंडोस्पर्म से और इलोंगेट होने लगेगा। उसके बाद ये ट्रांसवर्सप्लीन के अबाउट डिवाइड कर जाएगा, पहली माइटोसिस होगी, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एंड दैट विल गिव राइज ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स बन जाएंगी। ऊपर वाली सेल को हम लोगों ने वहां पे क्या बोला था, एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियोनल सेल, और नीचे वाली सेल को हम लोगों ने क्या बोला था, सस्पेंसर सेल। यहां पे भी बनेगी। डाइकॉट की एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोजेनी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियोनल सेल है ऊपर वाली, ये स्मॉलर इन साइज होगी और इसमें टू सक्सेसिव वर्टिकल डिविजन होंगे और फाइनली फोर सेल्स बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे मोनोकॉटिलिनस प्लांट में, मोनोकॉट के एम्ब्रियोजेनी में, ये जो ऊपर वाली सेल है इसमें सिंगल वर्टिकल डिवीजन होगा, इसमें सिंगल वर्टिकल डिवीजन होगा, यानी कि टू सेल स्टेज आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे इस प्लेन के अबाउट डिवीजन हो जाएगा, इस प्लेन के अबाउट डिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे टू सेल स्टेज आ जाएगी, एक सेल ये और एक सेल ये बन जाएगी। एक डिफरेंस तो हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सिर्फ एक बार डिवीजन होगा, जबकि डाइकॉट में हमने देखा था कि दो सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन होते थे। अब यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल है वहां पे इसमें रिपीटेड बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होते थे, जिससे 6 से 10 सेल्स बनती थी और एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में ये अरेंज हो जाती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सस्पेंसर। यहाँ पे भी डिवीजन होगा, मल्टीपल ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, सस्पेंसर का फॉर्मेशन होगा। वहां पे हमने बात किया था कि जो टर्मिनल सेल थी सस्पेंसर की वो कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होगी, उसको हम लोग हॉस्टोरियल सेल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हॉस्टोरियल सेल को हम लोग हॉस्टोरियल सेल ना बोल करके इसको बोलेंगे वेसिकुलर सेल। एक डिफरेंस हमको ये दूसरा समझ में आ गया कि हॉस्टोरियल सेल को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेसिकुलर सेल, विच मे एक्ट एज हॉस्टोरियम, जो कि हॉस्टोरियम की तरह एक्ट कर सकती है, सराउंडिंग से फूड को एब्जॉर्ब कर सकती है, शक कर सकती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकती है। दो डिफरेंसेस हमको समझ में आ गए कि सिंगल वर्टिकल डिवीजन होगा हॉस्टोरियल सेल को, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे हॉस्टोरियम को, वेसिकुलर सेल बोलेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट रिपीटेड डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होते चले जाएंगे और फाइनली हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलेगा हमको मोनोकॉट का। तो ये आपके सामने एक मोनोकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो बना है, फाइनली हमको कुछ इस तरीके का एक मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, समझने में दिक्कत होगी इसमें। तो 5 मिनट में आपको, 2 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये इजी है, ये और ज्यादा इजी है, इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट नहीं होता जितना कि डाइकॉट में हमने पढ़ा था। यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा इस स्ट्रक्चर का, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स मोनोकॉट, मोनो मतलब वन, यहां पे कॉट का मतलब क्या है, कॉटिलेडन। द मीन इज दैट कि यहां पे सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, जबकि हमने देखा था कि डाइकॉट मैच्योर एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट थे, डाइकॉटिलेडन्स कंडीशन हम लोग उसको बोलते थे, जबकि यहां पे एक सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोकॉट, सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। और इस स्ट्रक्चर में, इस एम्ब्रियो में
आप एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, ये, और ये जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं, ये जो एक्सेस हमने ड्रॉ करी है इसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस, इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। अब ये जो कॉटिलेडन है, मोनोकॉट मतलब एक सिंगल जो कॉटिलेडन है, ये इस एम्ब्रियोनल एक्सेस के एक साइड पे प्रेजेंट होगा। इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सेस के एक साइड पे प्रेजेंट होगा। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉटिलेडन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जिसको हम लोग यहाँ पे कॉटिलेडन बोल रहे हैं, इन केस ऑफ ग्रास फैमिली ग्रामिनी, ग्रासेस में इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूटेलम, ग्रासेस में हम लोग इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो एक सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई कि ये रही एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड टुवर्ड्स द वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस देयर विल बी अ सिंगल कॉटिलेडन प्रोमिनेंटली इन केस ऑफ ग्रामिनी फैमिली, इन केस ऑफ ग्रासेस इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम के लिए हमको दो बातें समझ में आ गई कि एक सिंगल कॉटिलेडन है ये वन साइड पे प्रेजेंट है, द मीन इज दैट इट इज गोइंग टू बी लैटरल इन देयर पोजिशन, ये लैटरल लैटरली अरेंज होगा या फिर कह सकते हैं टुवर्ड्स वन साइड प्रेजेंट होगा। अब आगे की स्टोरी या कहानी को समझने के लिए अब एक और लाइन ड्रॉ करिए, इसमें एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्यों ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, डाइकॉट मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर याद करिए, जिस पॉइंट से या जिस लेवल पे कॉटिलेडन अराइज होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, लेवल ऑफ कॉटिलेडन। यहां पे ये स्ट्रक्चर क्या है, कॉटिलेडन है, इस पॉइंट के अबाउट ये अराइज हो रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इस कॉटिलेडन की, और यहां पे हम कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम बोल सकते हैं। तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट है स्क्यूटेलम का, इस पॉइंट के अबाउट आप एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ करिए। अब ये हो गया लेवल ऑफ कॉटिलेडन, वहां पे हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट प्रेजेंट होगा, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, इसको हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को या इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि कॉटिलेडन लेवल ऑफ कॉटिलेडन या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम के नीचे वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है या पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइपोकोटाइल। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या पोर्शन को द पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल। एंड द टिप ऑफ हाइपोकोटाइल, इस हाइपोकोटाइल की टिप को हम लोग क्या बोलते थे, रेडिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल। और ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यहां पे बोल रहे हैं रूट कैप। तो यहां पे रेडिकल या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, रूट टिप। तो एक सिंपल सी बात हमको और समझ में आ गई कि ये है लेवल ऑफ कॉटिलेडन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल, इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल। और टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को क्या बोल रहे हैं, रेडिकल या रूट टिप। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट कैप। अब यहां पे इस रेडिकल और रूट कैप को एक अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ जो है इसको इंक्लोज कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और इस अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ को जो रूट टिप या रेडिकल और रूट कैप को क्या कर रही है, इंक्लोज कर रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोलियो
राइजा, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोलियोराइजा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर आ रहा है, इसलिए याद कर सकते हैं इस तरीके से कि ये क्या होगा, कोलियोराइजा, जो रूट टिप और रेडिकल और रूट के आपको क्या करेगा, इंक्लोज करेगा, ये अनडिफरेंशिएटेड क्या है, शीथ है। तो ये हमको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम के नीचे वाला पार्ट समझ में आ गया, जैसा कि हम लोगों ने डाइकॉट एम्ब्रियो में समझा था। अब इसके अबव जो पार्ट प्रेजेंट होगा, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन और प्रेजेंट अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम, इसको हम लोग बोलेंगे अबव मतलब एपिकोटाइल, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल, और टिप ऑफ एपिकोटाइल को, टिप ऑफ एपिकोटाइल को क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सूट एपेक्स, प्लीम्यूल या फिर क्या बोलेंगे सूट एपेक्स। तो लेवल ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल, टिप ऑफ एपिकोटाइल को क्या बोलेंगे सूट एपेक्स या प्लीम्यूल बोलेंगे, सूट एपेक्स या प्लीम्यूल बोलेंगे। यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं जिसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं लीफ प्रिमोर्डियम, लीफ प्रिमोर्डियम, लीफ प्रिमोर्डियम को आप समझ लीजिए कि कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स के मास हैं जो कि फाइनली क्या बनाएंगी, लीव्स बनाएंगी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लीफ प्रिमोर्डियम, इसको हम लोग बोल रहे हैं लीफ प्रिमोर्डियम। तो प्लीम्यूल या सूट सिस्टम पूरा का पूरा सूट, ये जो प्लीम्यूल या सूट एपेक्स है ये पूरा का पूरा सूट सिस्टम बना लेगा, लीफ प्रिमोर्डियम जो है ये लीव्स बनाएंगे। इसी तरीके से आप रेडिकल की बात कर लीजिए, पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा और रूट कैप प्रेजेंट होगा उसके टिप पे, और यहाँ पे रेडिकल और रूट कैप को सराउंड कर रहा है कोलियोराइजा। तो यहाँ पे जो प्लीम्यूल या सूट एपेक्स है और लीफ प्रिमोर्डियम है जो इन दोनों को इनक्लोज करेगा, यहाँ पे एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर वाला जो इन दोनों को क्या कर रहा है, प्लीम्यूल या सूट एपेक्स और लीफ प्रिमोर्डियम को इनक्लोज कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कोलियोटाइल, कोलियोटाइल या फिर आप इसको सीलोटाइल बोल सकते हैं, कोलियोटाइल या सीलोटाइल। तो कोलियोटाइल या सीलोटाइल इंक्लोज करेगा किसको, लीफ प्रिमोर्डियम और सूट एपेक्स को। इसी तरीके से कोलियोराइजा किसको इंक्लोज कर रहा है, रेडिकल और रूट कैप को। एक स्ट्रक्चर छोटा सा और बचता है, ये वाला, समझ लीजिए कि एक दूसरा कॉटिलिडन बनते बनते रह गया, क्योंकि ये मोनोकॉटिल का एम्ब्रियो है, एक सिंगल कॉटिलिडन होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रोमिनेंटली इन केस ऑफ ग्रासेस स्क्यूटलम, दूसरा कॉटिलिडन बनते बनते रह गया और उसी का एक रेमिनेंट बच गया, उसका जो बचा हुआ पार्ट ये रह गया, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ईपी ब्लास्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एपी ब्लास्ट। तो ये सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं तेजी से इसको रिकैप करता हूं, हमने बताया कि ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऑन ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस लैटरल साइड में किसी एक साइड में एक यहाँ पे कॉटिलेडन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं स्क्यूटेलम, और ये हो गया लेवल ऑफ कॉटिलेडन या फिर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम। द एम्ब्रियोनल पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन विल बी हाइपोकोटाइल, एंड द टिप ऑफ हाइपोकोटाइल विल बी रेडिकल और रूट टिप, जो कि रूट सिस्टम बनाएंगे, और ये क्या है रूट कैप, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे रूट टिप को, और इस रेडिकल और रूट कैप को एक अनडिफरेंशिएटेड सीथ इंक्लोज कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कोलियोराइजा। और पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम विल बी एपिकोटाइल, एपिकोटाइल एंड टू टिप ऑफ एपिकोटाइल विल बी प्लीम्यूल, जिसको हम लोग यहाँ पे और क्या बोल पा रहे हैं शूट एपेक्स। और यहाँ पे कुछ सेल्स और प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं लीफ प्रिमोर्डियम, जो कि फाइनली क्या बनाएंगे लीफ बनाएंगी, जैसे कि प्लीम्यूल पूरा का पूरा सूट सिस्टम बनाएगा। यहाँ पे लीफ प्रिमोर्डियम और प्लीम्यूल को इनक्लोज करेगा एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं
कोलियोप्टाइल या सीलोप्टाइल आप बोल सकते हैं, सीलोप्टाइल कोलियोराइजा की तरह प्रोटेक्ट करेगा प्लीम्यूल और लीफ प्रिमोर्डियम की तरह को, जैसे कि यहाँ पे कोलियोराइजा रेडिकल और रूट कैप को कवर कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल में कैसे हम याद रखें कि कोलियोराइजा किसको कवर करता है, कोलियोप्टाइल किसको कवर करता है। तो रूट में भी आर है, रूट कैप रूट टिप रेडिकल में भी आर है, और रूट और कोलियोराइजा में भी आर है। तो आप समझ सकते हैं कि आर रेडिकल, आर रूट कैप, आर आर और कोलियोराइजा में भी आर आ रहा है। तो रेडिकल और रूट कैप को इनक्लोज करेगा कोलियोराइजा, आर आ रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कोलियोराइजा किसको इनक्लोज कर रहा है, रेडिकल और रूट कैप को। तो दूसरे को याद ही नहीं करना है, बचता है कोलियोप्टाइल या सीलोप्टाइल, वो इनक्लोज करेगा लीफ प्रिमोर्डियम और किसको, शूट एपेक्स को। लीफ प्रिमोर्डियम और शूट एपेक्स को इनक्लोज करेगा कोलियोप्टाइल या सीलोप्टाइल, और रेडिकल और रूट कैप को इनक्लोज करेगा कोलियोराइजा। कोलियोराइजा में आर आ रहा है, रूट कैप और रेडिकल में आर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गया है, हमने आपको बताया कि जो दूसरा कॉटिलेडन बनते बनते रह गया उसका ये रेमिनेंट है, जो बचा हुआ पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। तो ये सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है मोनोकॉट का, एक मैच्योर एम्ब्रियो का, जिसको आप बहुत आसानी से इस तरीके से याद कर सकते हैं।